Y listo. Y start कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था क्लैम्पर, ठीक है। क्लैम्पर सर्किट के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था। क्लैम्पर इज अ नेटवर्क कंसिस्टेड ऑफ डायोड और रेजिस्टर एंड कैपेसिटर दैट शिफ्ट अ वेवफॉर्म एट अ डिफरेंट लेवल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द इनपुट सिग्नल, विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन इसके देख लिए थे, इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, एक बार वन बाय वन स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पॉइंट आ जाएगा, तो क्या पॉइंट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही करेंगे, सारे क्वेश्चन हम ट्राई कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके पास एक इनपुट वेवफॉर्म है, एक क्लैम्पर सर्किट है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, चार्जिंग वैल्यू कैलकुलेट करते थे, चार्जिंग वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर, और ये कब चार्ज करते थे, जब आपका जो डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट पहले क्लियर कर ही दिया था। और डायोड फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, इन दैट केस डायोड फॉरवर्ड बायस में जो पॉजिटिव साइकिल अपीयर हुई, तो पॉजिटिव साइकिल के केस में हमने इसको शॉर्ट कर दिया। देन यहाँ पर हम पॉजिटिव साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू ये प्लस प्लस माइनस किसी पोलैरिटी में इनपुट अप्लाई है, इसको प्लस भी समझे रिप्लेस कर दिया। अगर हम चार्जिंग वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालेंगे तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपको वी माइनस वी सी इक्वल टू जीरो, वी सी इक्वल टू जस्ट हम फॉरवर्ड बायस का कंसेप्ट शेयर कर सकते इतना रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिंपल, एक ही स्टेप आपको रखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रखना है आपको, जब आपका ये जो सर्किट है वर्किंग स्टेज में, वर्किंग स्टेज में कब होगा, जब आपके जैसे सपोज कोई भी आपका फैन स्टार्टिंग में क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, उसके बाद आपका जो फैन है वो स्टार्टिंग को प्रोवाइड करेगा और आपका फैन मूव करना बंद रहेगा, तो इसका टास्क कंप्लीट हो जाए। जनरली हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम नॉर्मल एक जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो सर्किट है वो प्लस माइनस वी आई एक सिग्नल दे रहे हैं, उसको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमें पता है दिस इज प्लस ऑफ वी सी। और जब भी हम किसी भी सर्किट का ट्रांसफर सर्किट का आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो उसके इसमें डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस स्टेप से हम नेक्स्ट ये सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे, देन आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे, आउटपुट भी तो अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइनली आपको क्या कैलकुलेट करेंगे आउटपुट, ये बी सी के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैलकुलेट बी सी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम आउटपुट वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट पर क्या आएगा, वी आई माइनस वी नॉट माइनस वी इक्वल टू जीरो, मीन्स वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस वन। इसी एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, प्लॉट करना। जनरली अगर आपने इस एक्सप्रेशन को प्लॉट करना है तो किस तरीके से प्लॉट करेंगे। सर आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर आवाज साफ नहीं आ रही है जी। नेटवर्क इशू भी नहीं है और किसी को कोई इशू है? नहीं, स्लो आ रही है सर आवाज, स्लो। स्लो मतलब साउंड कम है या धीरे, मतलब आवाज धीरे आ रही है सर? क्लियर ही नहीं हो पा रहा है सर कुछ। भी कुछ चेंजेस है? हेलो,
आवाज आ रही है? सर माने बताओ यस सर अब क्लियर है, ठीक आ रही है ना? और यस सर रंजीत, रंजीत सर अब आ रही है, ठीक ठीक है। तो हमने फाइनली हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हमको क्या किया, सबसे पहले हमने सर्किट लिया था, सर्किट के अकॉर्डिंग हमने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट किया, कितनी वोल्ट तक ये चार्ज होगा, डीसी करंट होगा, देन उसका आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट किस फॉर्म में होगा, डिस्चार्जिंग वे में क्या शो करेगा आपका आउटपुट, और डिस्चार्ज किस केस में होगा आपका वैन लगाया होगा वैन ओपन सर्किट, तो आपका ये इसका आप आउटपुट को ड्रॉ करेंगे तो क्या आ गया वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस वी, सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन को आपको प्लॉट करना है। तो वी वी माइनस वी आप जब करेंगे तो सपोज ये आपके पास इनपुट वेवफॉर्म ये थी आपके पास, फाइनली अगर ये आउटपुट वेवफॉर्म आप प्लॉट करते हैं वी नॉट आपको बताया वी आई माइनस, यहाँ से अगर मैपिंग या कर लेता हूँ थोड़ा सा मैपिंग कर लेता हूँ तो वो किसी का टी बाई टू यहाँ पर भी टी बाई टू पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट पर आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पर वी आई की वैल्यू थी एंड वी नॉट इज वी आई माइनस वी, सो वी नॉट इज जीरो बिकॉज वी माइनस वी जीरो, सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पर मेजर करूँगा वैल्यू वी आई की तो क्या आएगी आपके पास वी, देन अगेन वी नॉट इज जीरो यहाँ पर हमने पॉइंट कर दिया, देन सेम टी बाई टू पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट पर मेजर करता हूँ इस पॉइंट पर वी आई की वैल्यू क्या है माइनस फोर, then v1 equal to minus of v minus of v means minus of 2, तो minus of 2 भी आप बात कर देंगे आपको इस पॉइंट पर, ये आपने minus of 2 भी बात कर दिया, then अगर इस पॉइंट पर बात करता हूँ यहाँ पर तो वही आएगी आपको क्या minus of v, तो इसको मार्किंग कर देता हूँ इस पॉइंट पर भी आपके पास v और v का तो भी आ जाएगी minus of 2 भी, तो minus of 2 भी आप देन इस पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करता हूं पॉइंट पर वी आई की वैल्यू क्या है जीरो, राइट, तो जीरो के लिए तो यहां पर जीरो पुट करेंगे तो वी नॉट आ जाएगा 12 माइनस ऑफ, तो इस पॉइंट पर इस टाइप से अगर आप ये जो सर्किट है इसको मैं अभी थोड़ा डार्क कर देता हूं, तो ये वेवफॉर्म जो आई है आपके पास क्या है ये वेवफॉर्म, ये वैल्यू क्या है आपके पास माइनस ऑफ, राइट, तो इस टाइप से हम मानते हैं कि इनपुट वेवफॉर्म भी उसको वी वोल्ट नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो ट्रांसफर सर्किट से क्या करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, इस टाइप से हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ और कंसेप्ट बताया था, अभी इसी टाइप से हम सॉल्व कर लें कि लास्ट जो ओपन सर्किट सिचुएशन होगी वो आपका रिजल्टेंट शो करेगी, क्योंकि आप ये दोनों स्क्वायर वेव वाले क्वेश्चन से ठीक है कुछ क्वेश्चन एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हम साइनसोइडल को भी सॉल्व करेंगे, इसे इस टाइप को हम कंप्लीट कर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में आपके पास, ये प्लांटर सर्किट है, टेंपर सर्किट है आपके पास, इनपुट वेवफॉर्म भी गिवन है, इनपुट वेवफॉर्म भी गिवन है आपके पास, क्या है ये टेंपर कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो कुछ पावर लॉस का भी लाओ पावर लॉस के फ्लो में पॉजिटिव साइकिल में तो प्लस तो प्लस बी से रिप्लेस कर रहे हैं और लाओ के पावर लॉस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव साइकिल से रिप्लेस कर दिया, देन हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर
चार्जिंग टाइम के कंसेप्ट से मैं लास्ट लास्ट में डिस्कस कर चुका था। इस टाइप से आपको ये सर्किट मिलेगा जिससे हम आउटपुट मेजर करते हैं। तो फाइनली ये आपका गेन आउटपुट मेजर करेंगे जिसका डी है इनपुट मेजर करेंगे डीसी के मेजर करते हैं जिसका डी प्लस डी है राइट। इस टाइप से सॉल्व करने के लिए हम इसको कैसे करेंगे तो गाइस के लिए इस मॉड्यूल आपको बताता हूं। गाइस अब इसको प्लॉट करते हैं। जैसे अभी स्लाइडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर इनपुट वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज को राइट सिस्टम आउटपुट वोल्टेज में सिस्टम सपोज दिस इज अ बी एक्सिस तो ये बी एक्सिस हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे इस पॉइंट पर वी आई पी रेट क्या है तो जैसे वी आई पी रेट की बुक करेंगे तो यहाँ पर वी नॉट की रेट क्या आ जाएगी वी माइनस वी कैंसिल आउट माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ वी वन पॉइंट वन जाएगा सपोज दिस इज वन माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ वी वन इसके अकॉर्डिंग मैपिंग करते हैं। नेक्स्ट अगर आप इस मैपिंग करेंगे इस पॉइंट को अगर आप प्लॉट कर रहे हैं इस पॉइंट पर जो मिलती है आपके पास वी आई की वी तो वी नॉट की वैल्यू आप चेक करेंगे वी आई वी नॉट इज माइनस ऑफ वी इस लाइन को हम यूज करेंगे। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पर अगर आप मैपिंग करते हैं तो इस पॉइंट पर वी आई की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ वी अगर तो माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ टू वी माइनस वी तो इस पॉइंट पर यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इस सब दिस इज सपोज माइनस ऑफ टू वी प्लस वी माइनस ऑफ टू वी प्लस वी तो ये पॉइंट आपको इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर वी आई की वैल्यू क्या है आपके पास वी आई इज जीरो तो वी आई इज जीरो वी आई अगर आप जीरो को करेंगे तो क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ वी प्लस जीरो तो माइनस ऑफ वी प्लस जीरो कहीं इस पॉइंट पर लाइन करेगा एंड इस को हम यहाँ पर बता सकते हैं दिस इज माइनस ऑफ वी प्लस जीरो तो ओवरऑल ये आपके पास यहाँ पर आउटपुट वेव फॉर्म आपकी जाएगी रिजल्ट है तो आंसर देखेंगे तो दिस इज माइनस और जीरो से स्टार्ट हुआ दिस इज माइनस और टू वी प्लस वी वन ये पॉइंट जो है यहाँ पर लाइन करेगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस और वी प्लस रिजल्ट है यही हो जाएगा आपको ठीक है। तो इस टाइप से हम टैम्पर सर्किट का रिजल्ट कैन ड्रॉ कर नेक्स्ट के लिए तो ओपन क्वेश्चन का आ जाएगा। हेलो सर, इस क्वेश्चन में जो पॉजिटिव साइकिल में सर डायोड ऑन है ना सर, तो सर उसकी वैल्यू वी नॉट की वैल्यू सर वी वन के इक्वल होगी ना। नील देखो मैंने एक कंसेप्ट इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि इसलिए मैंने आपको जो क्विज किया था क्या हुआ था हमने एक डिस्कस किया था पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल के अकॉर्डिंग कनेक्शन सर। हेलो हेलो तो सर वॉइस ही क्लियर नहीं है सर। अब क्लियर है सर, पता नहीं अलग आवाज आ रही है सर आपके। हेलो हेलो हेलो
क्लियर है साउंड? यस सर, अब क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ, पहले आपको समझ में आया अभी तक कितना बता रहे आज? हेलो सर, उसमें वी नोट की वैल्यू सर पॉजिटिव साइकिल में तो वी वन के इक्वल होगी ना सर? नहीं अभी मैं क्या कह रहा हूँ, जितना मैंने समझाया वो समझ में आया अभी सर, वो तो वो आ गया सर। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखो इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करने का एक मेथड है। अब मैं आपको ये, जैसे आप सपोज आपका, अगर मैं मोबाइल फोन की जस्ट आपको बात करता हूँ, ठीक है, आपको मोबाइल फोन, आप क्या करोगे, आप उस मोबाइल फोन का आउटपुट कब चेक करोगे? जब मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो रहा होगा, आप काम कर रहे होंगे, कुछ आपने कुछ इनपुट दिया और वो फोन डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ काम कर रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, तभी आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करोगे। और yes, उसको और इनपुट जब उसको चार्जिंग के लिए आप चार्जर लगाएंगे, वो आपका टाइम क्या होना चाहिए मिनिमम? तो ओवरऑल स्टार्टिंग में यहाँ पर एक कैपेसिटेंस वर्क कर रहा है एज एन चार्जिंग एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, इनिशियली हम उसको चार्ज ले लेते हैं, चार्जिंग कर लिया, चार्जिंग ये भी ना आइडियली एक्चुअली आपको क्या है कि थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज हमने पॉजिटिव साइकिल आई, पॉजिटिव साइकिल में कुछ टाइम लगा है चार्जिंग करने के लिए, कैपेसिटेंस का मैंने बोला आपको, पॉजिटिव साइकिल में चार्ज हो रहा है, पहले तो पॉजिटिव साइकिल में चार्ज हो रहा है, इसका मैंने रीजन आपको बताया, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में जहाँ डायोड होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम क्या होगा, टू इंटू आर इंटू सी, तो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट केस में जीरो मान के चलेंगे, आइडियली कोई बहुत मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, इट मीन्स जो चार्जिंग टाइम होगा वो बहुत मिनिमम होगा। ठीक है, तो चार्जिंग टाइम मिनिमम होगा, तो सपोज इस टाइप से यहाँ पर ये चार्जिंग हुआ और आउटपुट वोल्टेज वी वन हुआ, यहाँ पर इतने से टाइम में चार्ज हो गया और फिर ये वी वन हो। अगेन जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस मेजर के लिए हमने ऑफ के केस में बस एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट की और उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, यही उसका कंसेप्ट है, इसको जनरलाइज मतलब वेव फॉर्म शो करने। यस सर, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, नहीं अगर डाउट आता है तो फिर डिस्कस करना। सर अभी तो एक क्लास भी है सर हमारी। अच्छा 12:30। यस सर, तो हम कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, कल हम इसका जो साइनसोइडल में जो डाउट थे ना वो हम क्लियर करेंगे। साइनसोइडल के इशू आएगा ही आपको, ठीक है, साइनसोइडल के दो तीन क्वेश्चन है, इन दोनों तीन क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, एक बार अटेंडेंस देखो, अगले क्लास रेगुलर रहेगी। जा प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, नीर, मंजीर, प्रेजेंट सर, सनी, जस्ट सर, विकास, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू। Thank you.